सीखते हैं कि मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे, दिल ऐसा रखो कि किसी को दुखी ना करे, स्पर्श ऐसा रखो कि किसी को दर्द ना हो, और रिश्ते ऐसा रखो कि जिसका अंत ना हो। सेव द गर्ल चाइल्ड आपने देखा कि इसके रिलेटेड ही मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बताना चाहती हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। तब जब मेरा जन्म हुआ तब करीबी लोगों ने कहा मेरे पापा से कि बेटी हुई है सोना जमा करो। तो मेरे पापा ने कहा सोना तो नहीं खरीदेंगे पर बेटी को जरूर सोने में बदलेंगे। फलस्वरूप मैंने ईरान और पाकिस्तान जैसे देशों में अपना तिरंगा लहराया है। तो मेरे माता पिता मुझे हर पल ये समझाते हैं कि सब्र कर बेटा, कठिनाइयों के दिन गुजर जाएंगे, जो तुझे आज देखकर ताना देते हैं वो तुझे देखते रह जाएंगे। कुछ अलग करने के लिए, क्योंकि राम ने भी बहुत कुछ खोया श्री राम बनने के लिए। और वो बताते हैं कि मंजिलें इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है। किसी भी बात से हिम्मत ना हारना मेरे दोस्त, क्योंकि ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है। ये मैं मानती हूँ कि हमारे माता पिता और गुरु हमें सफलता की ओर अग्रसर करते हैं, परंतु कठिनाइयाँ स्वाभाविक हैं, तो हमें उसे स्वीकार करना होगा और आगे बढ़ना होगा, तभी अपना लोहा मनवाया जाएगा। और आप सब लोग कभी भी फूल की तरह मत जीना, क्योंकि जिस दिन खिलोगे टूट कर बिखर जाओगे। जीना ही है तो पत्थर की तरह जियो, जिस दिन तराशे गए खुदा बन जाओगे। और हम सबकी जिंदगी में एक लक्ष्य होना चाहिए, और उस लक्ष्य साधना की दशा दिशा हमें स्कूल से ही मिलती है। तो हमारी जिंदगी का जीने का मकसद खास होना चाहिए इसीलिए, और अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, और हमें अपना मकसद पूरा होने तक आराम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी जिंदगी में खुशियों की कमी नहीं होती, बस जीने का अंदाज कुछ खास होना चाहिए। तो मुझे अच्छे से याद है जब मेरा छोटा भाई, जो कि अगस्त से अभी आपके सामने आया, वो भी अभी बात करेगा, तो जब वो 2 साल की आयु में 300 प्रश्न के जवाब दिया था, और वो वीडियो सारे न्यूज़ चैनल्स पर टेलीकास्ट किया गया था, जो आप यूट्यूब पर भी देख सकते हो, तो उसी दौरान, उस इंटरव्यू के दौरान एक पत्रकार ने मेरी माँ से पूछा कि आपका बेटा तो होनहार बनने का एक प्रमाण पत्र दे रहा है, जबकि आपकी बेटी 7 साल की है, और आप अपने पूरे परिवार सहित मीडिया में आए हो, तो लोग जानना चाहते हैं कि अगर आप खुशी का इजहार करना चाहते हो तो उसे एक शब्द में बताना। तो फट से मेरी माँ ने मेरा नाम बताया, नैना। तो वो दिन और आज का दिन हमें अपने माँ के विश्वास पर खड़ा उतरने का प्रेरणा स्रोत बना, जिसकी वजह से आज मैं आप सबके सामने एक मुख्य अतिथि के तौर पर आई हूँ। और मेरी माँ की बातें मुझे हर पल ये समझाती हैं कि कदम, कसम और कलम, ध्यान से सुनिए, कदम, कसम और कलम पर पकड़ रखो, जिंदगी तुम्हारी होगी और आप मुकद्दर के सिकंदर बन जाओगे, ऐसी मेरी माँ कहती है। मैं मानती हूँ और मेरे माता पिता मानते हैं कि हर बच्चा भी मेरे जैसा और अगस्त जैसा बन सकता है, बन सकता है और बन सकता है, ऐसा मैं मानती हूँ। तो उसका रीजन ये है कि हर छात्र भी मेरे जैसा अगस्त जैसा बन सकता है, परंतु शर्त ये है कि उन छात्रों के माता पिता को
मेरे माता पिता जैसा बनना होगा, क्योंकि मेरे माता पिता उस कांच की तरह टूटकर चकनाचूर हो गए, कहीं किसी को लग ना जाए इसलिए सबसे दूर हो गए। अर्थात उन्होंने अपनी कमाई, सुख, चैन हम पर निछावर कर दिया, जिसकी वजह से आज हम दो भाई बहन अमेरिका, सिंगापुर, दुबई और ओमान जैसे देशों में अपना लोहा मनवाया है। और मेरे माता पिता का प्रेरणा आप इस बात से जान सकते हो कि उन्होंने बताया कि दुनिया में कोई भी चीज ठोकर लगने पर टूट जाती है, लेकिन एक कामयाबी की बुलंदी ठोकर खाकर ही मिलती है। इसीलिए मैं मानती हूँ कि जीत और हार आपके सोच पर निर्भर करता है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। और यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं वो अगर पॉजिटिव थिंक करेंगे, एक पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, तो हर बच्चा कामयाब हो सकता है। और अगर आप कामयाबी को फतेह करना चाहते हो तो हिम्मत हासिल करो, क्योंकि तो जब मजबूरी अपने आप घुटने टेक देगी, आपकी हिम्मत आपको अपने कामयाबी के बुलंदी पर ले जाएगी और हार आपका गुलाम बन जाएगा। तो मैंने भी मेरी जिंदगी में कई हार देखे हैं, पर हौसला कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं हार से थक चुकी थी, लेकिन मेरी माँ की बाहें मेरा हौसला बुलंद करते करते कभी थकी नहीं। फलस्वरूप मैंने सर जमीन पाकिस्तान में हमारा तिरंगा लहराया। और आप सबको, स्पेशली बच्चों को, ये जानना जरूरी है कि सच्चा प्यार करने वाले वो जो होते हैं ना, सच्चा प्यार करने वाले कभी जिक्र नहीं करते, वो सिर्फ फिक्र करते हैं। इसीलिए आपके माता पिता हमेशा फिक्र में डूबे रहते हैं, तब आपका दायित्व बनता है कि आप दिन दोगुनी रात चौगुनी कर एक इतिहास रचना होगा, तभी आप उस बेताज बादशाह की तरह जाने जाओगे, ऐसा मैं मानती हूँ। इसीलिए मैं कहती हूँ कि ना हारना जरूरी है ना जीतना जरूरी है, जिंदगी एक खेल है, इसे खेलना जरूरी है। तो सीखना और सिखाना यहाँ के टीचर्स की आदत है। हर कोई कामयाब हो उनकी ख्वाहिश है, भले ही कोई उन्हें याद करे या ना करे, पर हर अपनों को याद करना उनकी आदत है। और शिक्षक आपको ज्ञान देता है, स्कूल आपको मान देता है, और आपकी योग्यता आप सबको पहचान देती है, लेकिन अगर ये तीन चीज मिल जाए तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती है। तो फाइनली मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। ये जिंदगी तो जी लेते हैं सभी, पर जिंदगी जियो तो ऐसी कि सबके लिए मिसाल बन जाए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता